मेरे परिवारजनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। अभी इस समय हमारे साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी भी जुड़े हुए हैं। आज बेंगलुरु में मेट्रो की दो लाइनों को भी देश को समर्पित किया गया है। इससे बेंगलुरु के आईटी हब की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। अब तो बेंगलुरु में हर रोज लगभग 8 लाख लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। मैं नई मेट्रो सुविधा के लिए बेंगलुरु के सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी का हमारा भारत आज हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान पर, चंद्रयान को चंद्रमा पर उतार कर दुनिया में ये हिंदुस्तान छाया हुआ है। आज का भारत G20 का इतना शानदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षण का, उत्सुकता का और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का एक नया अवसर बन गया है। आज का भारत एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल जीतकर दिखाता है और उसमें मेरा उत्तर प्रदेश भी होता है। आज का भारत अपने दम पर 5G लॉन्च करता है और उसे देश के कोने कोने में ले जाता है। आज का भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करता है। जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्सीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है। लड़ाकू विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फहराने वाला विक्रांत जहाज भी बनाता है। और ये जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है, भारत की अपनी ट्रेन है। साथियों, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है?
आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है, हर हिंदुस्तानी को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है, मेरे नौजवानों को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है। अभी जो प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर के सिस्टम का लोकार्पण हुआ है वो भी मेड इन इंडिया है। और मैं एक और बात बताता हूं, हम हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं, ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है, हवाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है, कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है, यानी कितनी सुखद यात्रा रहती है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है, नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है, सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी।